हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए फ्रेंड्स, पर्सलेन और पॉटचुलाका में कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है, देखिए। और ये बिल्कुल बेस्ट मटेरियल है, मैंने टायर प्लांटर बनाया था उसमें लगाई है ये पर्सलेन। बहुत ही हैवी फ्लॉपिंग इनमें हो रही है इस समय, और एक इसमें गलाटिया भी है। और इधर ये देखिए क्रिसेंथेमम, मैंने कुछ चेंजिंग कर दिए, ये बड़े बड़े गमले अपने इस बाउंड्री पर रख दिए हैं। और इधर ये गलाटिया, ये देखिए इसमें एक सनफ्लावर भी है, मैक्सिकन पिटोनिया भी है। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके फ्लावर्स। और इधर ये कनेर, देखिए अपराजिता को मैंने सीड से ग्रो किया था, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये भी फॉर्बिया मिली, और एक कॉस्कॉम, ये देखिए। और इधर ये पत्थर चट्टा, और मेरा ये पिंक जटरूपा, और ये हिबिस्कस, और एक ये रोज है, और इसमें ये सनफ्लावर, इसमें भी अपराजिता, इसमें फ्लावरिंग इसमें भी शुरू हो गई। ये रेड जटरूपा, और एक और ये गॉम फेरना, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इसके फ्लावर्स देखने में। हमारे यहाँ रुक रुक कर बारिश भी हुई है, पूरे फ्लावर्स इसके गीले हो रहे हैं। और एक और हिबिस्कस, उस पर कई फ्लावर्स इस पर आए हैं। ये देखिए पूरे पॉट को घेर लिया इसने पर्सलेन ने, पूरा पॉट भी नहीं दिखाई दे रहा है इसका। तो देखिए देखने में इसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये पीवीसी पाइप प्लांटर बनाया था, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। और ये मेरा रेड एग जोरा, ये न्यू प्लांट है मेरे गार्डन में, अभी लगाया है इसको मैंने। और ये वाइट पर्सलेन, कितने बड़े बड़े इसमें फ्लावर्स हैं, डनरेन लिली भी, और ये कनेर, सभी प्लांट काफी अच्छे चल रहे हैं। और इधर मेरा ये वाइट एग्जोरा, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में, बहुत ही सुंदर। और पूरा प्लांट मेरे कलियों से भरा हुआ है, देखो पूरे प्लांट में बढ़ाई हुई हैं, और इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। ये 2 साल से है मेरे पास ये प्लांट, और बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है, करीब 8 इंची का पॉट है इसका। देखिए इधर ये चंपा है, और ये कैना लिली, इसकी लीव्स बहुत ही सुंदर लगती है मैरून कलर की देखने में, अभी इस पर फ्लावर्स नहीं आया।
ये मेरा एक और हिबिस्कस, तो हिबिस्कस की आप पीले पीले जो पत्ते हो जाते हैं इसके, उसको हटाते रहें, नहीं तो फंगस का डर रहता है प्लांट में इस समय। ये रोज हमारे यहाँ बारिश रुक रुक कर हो रही है, किसी अब सुबह से बारिश हो रही थी, फिर अब इस समय धूप निकली हुई है, तो ऐसे इसके सूखे हुए पत्तों को और फ्लावर्स को हटाते रहें आप। ये देखिए, इधर ये सभी पर्सलिन है और ये चांदनी, चांदनी में भी फ्लावर आ रहे हैं, और ये इधर बर्ड बनी हुई है, इसमें भी एक अपराजिता निकला। इधर मेरे ये रियो और जेड प्लांट, और उधर एक मेरा कैक्टस। सभी प्लांट हरे भरे और खूब अच्छे से चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में ये। ये देखिए, और इधर भी मॉस रोज, और ये मैंने एक गेट बनाया था, बस थोड़ा सा ये बचा है बस, बाकी इसने कवर कर लिया है। ये देखिए, इस पर भी फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर्स आते हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, पूरा ऐसा लगता है जैसे गेट हो। और इधर कलांचू, कलांचू की भी मैंने एक ये कटिंग अलग से लगाई है, ये वाली, ये देसी वाला रेड कलर। और इधर रेन लिली, ये रेन लिली मैंने सीड से लगाई थी, और ये देखिए इसमें भी सीड, कितने सारे इसमें सीड बने हुए हैं। अब ये तो तैयार भी हो गए, तो येलो कलर की रेन लिली सबसे ज़्यादा खिलती है ये, और इसमें सीड पॉट भी अच्छे से बनते हैं खूब। और ये मैंने कॉस्मोस लगाए पिंक कलर के, सीड से ग्रो किए थे ये मैंने। और इधर चंपा, चंपा में भी देखो बर्ड आई है, अब इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। मेरा काफी बड़ा प्लांट है और ये मैंने कटिंग से लगाया था, 3 साल हो गए इस प्लांट को, 3 साल पुराना प्लांट है, कटिंग से लगाया था। और ये मेरा रेन लिली, एक और रेन लिली पिंक कलर की, और ये मेरे कोचिया, और ये देखिए नॉट टच मी, ये कितना सुंदर फ्लावर्स है इसका पिंक कलर। ये इसको छुई मुई भी बोलते हैं। ये मैंने एक झुमका बेल लगाई है, मधुमालती, और ये मेरा एक और ये रोज, और इसमें ये सनफ्लावर, और ये मैंने थूजामोर पंखी को ऊपर रख दिया इधर, और ये सभी क्रिसेंथेमम और एलोवेरा। ये देखिए टिकोमा, टिकोमा प्लांट में भी खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए, ये देखिए खूब अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसकी मैंने एक कटिंग यहाँ लगाई थी, ये चल गई है। और ये मेरा एक अडेनियम, अडेनियम में भी फ्लावरिंग बर्ड आ गई, एक बार इसमें फ्लावरिंग हुई थी, अब ये दोबारा से बर्ड आई है इसमें। अडेनियम का मेरे पास एक ही प्लांट है, और ये मैंने क्रिसेंथेमम की कटिंग लगा के आपके साथ शेयर की थी, ये वो है। और इसमें भी मैंने एक दो कटिंग इसमें की लगाई थी टिकोमा की, ये देखिए। अरे साइकस, इधर एक और यूफोरबिया मिली, और ये मेरा जेड प्लांट, ये देखिए टूटे हुए गमले में। और ये मेरा मोंगरा, मोंगरा की देखो रेन वाटर पा गई इसकी, कितनी लंबी एक स्टिक निकली है इसमें से। और ये वही पर्सलिन, और इधर कैक्टस, और ये सभी मेरे कैना लिली हैं इधर। इसमें मेरे पास येलो और रेड
दो कलर में है ये मेरे पास कैना लिली, इसमें बर्ड आई हुई है, आज फ्लावर्स नहीं है, इसके फ्लावर्स झड़ गए खिल के। ये देखिए, ये देखिए, ये इसके सीड हैं। ये मैरून कलर वाली तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, फ्लावर्स ना आए तो इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर लगती हैं। दीदी देखिए, और उधर भी मेरे ये कैना ले लिए हैं, ये देखिए कुछ फ्लावर्स उग गए हैं खिलने खिलकर, और कुछ आएंगे अभी। एशियाटिक ले ली, और इसमें भी मेरी वो येलो वाली रेन ले ली, बर्ड बनी हुई है, फ्लावर बर्ड, लेकिन आज फूल नहीं खिले। ये कैक्टस, ये ड्रेसिना, सुदर्शन, देखिए पर्पल हार्ट, और एक और पर्पल हार्ट मेरा ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल में, और ये मेरा मोंगरा, और ये मेरा इंग्लिश रोज। इंग्लिश रोज में आज कई फ्लावर आए हैं, ये देखिए, और ये एक बर्ड बनी हुई है, ये रही, और एक बर्ड ये मेरा इंग्लिश रोज है। ये मेरे पास दो हैं इस कलर के, वाइट कलर के, तीन फ्लावर हैं आज इस पर, ये देखिए, एक दो और ये तीन। ये मेरा पिंक कलर का है, इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, एक फ्लावर आया था लेकिन इस समय इसमें कोई फ्लावर नहीं है। ये पिंक और वाइट रेन लिली में बर्ड बनी हुई हैं, लेकिन आज फ्लावरिंग नहीं हुई। ये देखिए काफी बर्ड बनी हुई हैं इसमें, ये देखिए, लेकिन आज फ्लावर्स नहीं आए। ये रेन लिली इस समय बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग होती है इसमें। अब मेरा एक और कनेर, उसको भी मैंने सीड से लगाया था, और ये मेरा दूसरा पीवीसी डीआईवाई प्लांटर, और मेरा एक और हिबिस्कस, ये डबल पेटल का, देखिए इसमें पूरे प्लांट में बर्ड बनी हुई है। देखिए इसकी सूखी सूखी लीव्स आप हटा दीजिए, नहीं तो ये फंगस लगने का डर रहेगा। और आपके यहाँ बारिश के बाद अगर धूप निकलती है अच्छे से, तो फिर आप फंगीसाइड की स्प्रे कर दें, ताकि आपके प्लांट में कोई फंगस ना लगे, क्योंकि बारिश के बाद प्लांट्स में फंगस लगने का डर रहता है। ये रही है बोटली, देखिए फ्लावर्स वाइट कलर, और ये मेरे सभी कोचिया। और ये एक और टायर प्लांट है, इसमें मिंट और ये कॉस्कोम, ये देखिए, और सदाबहार। इधर एक और जटरूपा रेड कलर, और ये सभी मेरी क्रिसेंथेमम, और ये मैक्सिकन पिटोनिया, ये देखिए, और मेरा एक और ये मोंगरा, इसमें भी अभी बर्ड आ रही हैं, एक बार तो फ्लावरिंग हो गई है अब दोबारा से। ये मेरे पास एक और पत्थर चट्टाई है, ऐसी इसकी लीव्स हैं, और ये कैक्टस, एक और रेन लिली, ये देखिए इसमें सीड पॉट बहुत बनते हैं येलो कलर में, और ये देखिए कितनी इसमें बर्ड आई हुई हैं। बर्ड काफी संख्या में इसमें आती हैं येलो कलर में, ये देखिए बहुत ही फ्लावरिंग होती है इसमें। और ये राखी बेल, ये अभी छोटी है, और मेरा एक और हिबिस्कस, ये देखिए छोटा सा ये अभी प्लांट, और ये शमी का प्लांट है, और ये कनेर का, देखिए पूरे प्लांट में खूब फ्लावरिंग हो रही है इसमें खूब अच्छे से। तो ये था मेरा फ्रेंड्स आज का
गार्डन ओवरव्यू। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।